हमारी लाइफ में डांस बहुत ही जरूरी है क्योंकि आदमी हर खुशी के मौके डांस करता है. आप देख लो आदमी की सैलरी बढ़ जाए तो आदमी नाचने लगता है, शादी हो जाए नाचने लगता है, बीवी मायके चली जाए उदास भी हो जाता है कभी कभी. अब देखो डांस हर जगह पाया जाता है. मौसम आपसे डांस करवा लेता है. सर्दियों के मौसम में अगर आप गलती से ठंडा वाला नल खोल दो ना तो वो भी डांस हो जाता है. और अगर गर्मियों में दो घंटे स्कूटर धूप में खड़ा हो आप उस पर जाके बैठ जाओ डांस शुरू होता है. कसम से दोनों बर्गर लाल हो जाते हैं आदमी के. कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सब जगह डांस ही डांस छाया हुआ है, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं ये अपने डांस की वजह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं. तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा हिंदुस्तान के तीन लेजेंडरी कोरियोग्राफर्स को. प्लीज वेलकम मिस्टर गणेश आचार्य, मिस गीता कपूर एंड मिस्टर टेरेंस लुईस. ये डिस्टेंस काफी छोटा हो गया ना, ये डिस्टेंस कम हो गया है. लव यू गाइस. आपको इतना टाइम मिला रेडी होने के लिए फिर भी नाइट सूट में आ गई आप. वही है. मारूंगी तेरे को डिजाइन और भी मारेगी तेरे को. नहीं तो आप पैसे दे के लिया करो, स्पॉन्सर जब लेते हो ना फिर प्रॉब्लम होती है. हमारे तीनों डांस गुरुज का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां. जैसा कि आप सब जानते हैं गीता तो डांस की माँ है और गणेश सर को डांस का बाप कहा जाता है. तो टेरेंस सर आपका क्या डांस का चाचा? मैं अभी पैदा हुआ हूँ. तो टेरेंस सर मतलब इतने फिट लग रहे हैं आप, जानबूझ के ऐसे टाइट कपड़े पहनते ना आप. और जानबूझ के फिट के बारे में बात करना. हाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं है, इतने भी नहीं लग रहे हैं फिट होके. मास्टर जी क्या बात है, मास्टर जी इज मोर फिट. मास्टर जी कितना वेट कम कर लिया आपने? 98 केजी आराम से. वाओ, ह्यूज इंस्पिरेशन. वाओ, व्हाट एन इंस्पिरेशन. एक्चुअली व्हाट एन इंस्पिरेशन मास्टर जी. छोटे शहरों में 46-46 किलो के आदमी होते हैं. दो आदमी गायब कर दिए आपने. उस वेट की एक ही हूँ, सोचो. आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं. कसम से आप मतलब इतनी प्यारी लग रही हैं. मैं भी पहले से बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ऐसा आप बोल सकती हैं. मेरी आंखों में पढ़ लो, पता चल जाएगा. हम चले जाएं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इनका चल जाएगा. अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से एग्जिट. सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां हो जाए. कौन ओहो हम लोग चले जाए. अरे समझदार को इशारे काफी होता है. मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली. मुझे भी हंसना आता है, मैं भगा सकती हूँ लोगों को. मैं हंस सकती हूँ, मैं तो ऑडिशन देने आई थी. मेरा शो खत्म हो गया है. आपको क्या लगता है नाइट सूट पहन के क्यों आई है? ये सोती भी यही है ताकि रात को भी कोई आके ना बैठ जाए. सीरियसली दिस इज नॉट अ नाइट सूट, इट्स अ डिजाइनर सूट. इट्स अ डिजाइनर नाइट सूट. नो बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू पायल, यू हर्ड दैट ना? वेरी नाइस. दिस इज पायल, वेरी नाइस. मैं बुरा बोल भी नहीं सकती हूँ. यू नो हाउ मच आई प्रेज योर आउटफिट्स नाउ. यू लुकिंग मोर ब्यूटीफुल बाय द डे. थैंक यू माय डार्लिंग, आई लव यू. वैसे ये बड़ा फ्लाइंग किस करती हैं आपको मिलके, लेकिन अगर आपने कुर्सी पे नजर रखी सीधा हाथ हपाई पे उतरेंगी. अच्छा ये आपके स्ट्रेट बाल, इनका हाथ है भी ऐसा मतलब मस्त. नहीं स्ट्रेट बाल ये कब करली कर देंगी पता भी नहीं चलेगा. इनसे धर्म पाजी हाथ मिलाने से डरते हैं. अरे बेटे मेरा हाथ ही मरोड़ दिया. गणेश सर, गीता और टेरेंस तो हमेशा ही साल में 6-8 महीने तो किसी ना किसी डांस शो में जज करते हुए दिखाई दे जाते हैं. आप बहुत कम दिखाई देते हैं टीवी शो जज करते हुए. क्योंकि आपको... ये नोट छाप रहे हैं, फिल्म कोरियोग्राफ करते करते. मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जज करने से पहले खुद को तो जज कर लूँ फिर जज करूंगा. और ये क्या है ना, ये गीता टेरेंस इन लोग सही एकदम.
कैसे सही है मतलब मतलब भी इन लोग की इन लोग एकदम करेक्ट जजमेंट देते हैं हर चीज मुझे आता नहीं बोलना सो स्वीट लेकिन मास्टर जी जो आप करते हो अगर हमें आ रहा होता तो हम भी वही करते जो आप कर रहे हैं व्हाट यू डू वी कैन नॉट डू आप जानते हो ये बात मैं गीता का इतना बड़ा फैन हूं जिसका हिसाब नहीं मैं जब भी मुझे मिलती मैं उसको बोलता एक बार तो डांस दिखा दे लेकिन कभी नहीं डांस करते ये जब से आपने वेट कम किया तब से आप फ्लर्ट करना शुरू कर रहे हैं मतलब हां होता है मास्टर जी नहीं वो चांस तो हो ही नहीं सकती मेरी वाइफ बैठी है वहां पे कहां कहां अरे अच्छा कैसे मैम अच्छा गणेश सर जैसा मतलब इंडस्ट्री में मैंने ऑनेस्ट और लॉयल आदमी मैंने आप जैसा नहीं देखा ये अच्छी बात कपिल थैंक यू पहले बताया करो विस्फोटक सामग्री साथ लाए हो आप गुड वन मास्टर जी ये बातें ना वही समझते हैं जिसके ऊपर बीतती है हाय पर मैंने ना अपनी बीवी को बोल रखा कि दो तीन जगह मेरे को ऑप्शन दे दे बस ऐसे मतलब फ्लर्ट करने की अच्छा, दो तीन अच्छा ओके एक की तो शादी हो गई वो तो चली गई दीपिका आप भी शादी से पहले की है हाँ. और गिन्नी खुद शादी से पहले की है हाँ. तो मैंने कहा देख तू भी शादी से पहले की है तेरे साथ शादी हो गई बाकी जो दो उनका क्या कसूर है और कभी कभी ऐसा शनि इतवार को फ्लर्ट करने दिया कर हाँ. सोमवार को मेरी गर्दन तेरा हाथ मास्टर जी हमारे शो पे आते हैं अच्छा लगता है आज मास्टरनी जी भी आई है बहुत बहुत स्वागत है अच्छा गीता मैम और टेरेंस को तो मतलब ये तो सोनी टीवी इनका घर ही है कसम से मतलब अभी इनका शो खत्म हुआ है और वहां से खत्म हुआ है उधर से यहाँ पे आ गए ये बड़ी अच्छी बात लगती है आप आते रहा करो आप बुलाया करो हाँ, हम आ जाएंगे हाँ। आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं तो हम चले हम चले एक टेरेंस सर से बात पूछनी है सर मैंने देखा है इंडियाज बेस्ट डांसर में कोई भी फीमेल गेस्ट आता था या कोई जज आती थी कोई भी आप स्टेज से लेने भी जाते थे उनको छोड़ने भी जाते थे वो भी हाथ पकड़ के आपने इतनी पकड़म पकड़ाई की है आप ढंग से किसी का हाथ पकड़ के घर क्यों नहीं बसा लेते सर दो जवाब दो जैसे आपने कहा ना दिल बड़ा है किस किस को प्यार करूं किस किस को प्यार करूं पर मैंने एक बात और सुनी है कहते बीच में जब 8 एपिसोड नोरा आई तो आपने उस 8 एपिसोड के पैसे नहीं लिए इन्होंने चैनल को कहा कि खाली वो कुर्सी मेरे बगल में लगवा देना पैसा कोई नहीं चाहिए आपको चाहिए तो आप बोलो इज इट ट्रू सर आई वंडर हाउ दे गेट टू नो ऑल दिस द ट्रूथ अच्छा ट्रूथ मेरी बोलती बंद हो गई है नोरा की बात करते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है वो शो पे भी ऐसा होता था मैं सपोर्टिव ऑफ मी तो मेरी दोस्त है You have to help me in this. तुम तो वहाँ शो कर रहे थे ना हाँ यहाँ पर कोई ना जल भुन कर राख हो रहा था अच्छा वीडियो है मेरे पास देखो दिखाओ क्यों अब ले आपको पता है जब नोरा उस शो से जा रही थी अलविदा कह रही थी तो इतने लोग इनसे प्यार करने लगे थे कंटेस्टेंट टेरेंस ने तो बोलते साइड पे जाके अपनी चूड़ियां तोड़ी हैं ओहो पर मैं एक बात बोलूं नोरा बंद करो टेरेंस जब आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना और आप क्या स्वीट है बेचारी सपोर्ट भी करती है बट आई एम सो जेलस क्या बात कर आई एम इंजर्ड आई एम डैमेज्ड आई एम फ्लैबरगास्टेड इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं ये जो आप अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं वो कम पड़ गए थे मेरे वाले भी दिखाने शुरू कर दिए आपने इनके इंस्टाग्राम की वीडियोस की वजह से हमारा दिल लगा रहता है हम यहाँ नहीं आते लेकिन यहाँ पे जो भी चल रहा होता है हमको सब पता होता है थैंक यू मैम ये अभी तो चलो शो शुरू हो गया तो इन्होंने बिहाइंड द स्टेज शूट करना शुरू कर दिया नहीं तो लॉकडाउन में इन्होंने परमीत सर को इतना बकाया मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ फिट कैसे रहे खुद नहीं भागती थी खुद कैमरे लेके बैठ जाती भागो परमीत भागो इनके घर के कुत्ते भी दौड़ रहे होते एक्चुअली वो मेरे कुत्ते नहीं थे मेरे दोनों बच्चे थे गणेश सर एक बात पूछना चाहता हूँ जैसे नोरा जब आई तो टेरेस सर की आंखों में जो चमक हमने देखी चलो ठीक है भाई होता है आई मीन शी इज ब्यूटीफुल गर्ल पर अरे अरे तो जो इनको उनके ऊपर क्रश हो गया आपने इतनी हीरोइनों को डांस सिखाया है आपने कभी किसी को क्रश नहीं किया आपका किसी पे क्रश नहीं हुआ नहीं मैंने शादी से पहले मास्टर जी शादी से पहले की पूछ रहा हूँ सबसे माफ होता है सीरियसली गणेश सर देखिए बीवियों को ना ऑनेस्टी बड़ी अच्छी लगती है अगर आप बता भी देंगे ना कोई सब मेरा क्रश है उनको
तो फिर आप दोनों का मिलन कहाँ हुआ था? से शीश पंजाबी. अच्छा. हाँ. वाह. एंड आई एम मद्रासी. बस नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ साउथ. अरेंज मैरिज हम लोग की. वाह वाह. छोले भटूरे और डोसे का मिलन मैंने पहली बार देखा. पर फिर आप कहाँ से कहाँ मिले? अरेंज मैरिज किया हम लोग. अच्छा. दिल्ली से. मेरे एक भाई है पप्पू, नंदा फैमिली से कहते हैं. अच्छा जी. तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने उनको कहा कि गणेश की अभी शादी करनी है तो क्या करना है. तो उनकी मम्मी ने फिर यहाँ पे दिल्ली में बात की. फिर मैं शूटिंग कर रहा था बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तब जाके उनको. अच्छा. देखा और बस फिर शादी करी घर. अरे बाप रे. बड़े मियाँ छोटे मियाँ मतलब से कितने साल हो गए? 21 साल हो गए. अरे बाप रे. Congratulations. 21. मास्टर जी इतने प्यारे और इतने इनोसेंट, इतने शरीफ है ना, इनकी अरेंज ही मैरिज हो सकती थी. होता ना कि एक अभी किसी को आए तो मन में तो ये कपिल. मास्टर जी अब आपने तो घर भी तो जाना है. मैं हो सकता है इनको कभी किसी पे क्रश हुआ, ये कह नहीं पाएंगे मुझे पता है. पर देख लो किस्मत होती. देखो आप दिल्ली में पली बड़ी, मास्टर जी मुंबई में, ये किस्मत ही होती जहाँ मिलाती है आपको, कहाँ पे आगे मिले. पर बड़े प्यारे हैं. मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पे. मास्टर ये दोनों साथ में कौन है अपने स्टूडेंट्स है? मैं तो इनको नहीं जानता हूँ, वो तो मेरे मेकअप में और वो पीछे स्टाइलिश साइड में बैठे हैं, वो मेरे डायरेक्टर हैं. अच्छा. म्यूजिक वीडियो के. ओके. जैकेट पहने हैं. अच्छा. ये छोटे से डायरेक्टर हैं. हाँ. ये छोटे से स्कूल नहीं गए वीडियो डायरेक्ट करने लग गए. तो ये वीडियो कौन सा जो तेनु मेरी उम्र लग जा रहे? उम्र लग जा रहे वीडियो है. ये बाप बेटी के रिश्ते के बारे में सर, जो बहुत लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हम लोग ने किया, कुछ कोशिश कर की है. मैंने अभी देखा और मैं एक्चुअली मैं इमोशनल हो गया वो वीडियो देख के. थैंक यू सर. थैंक यू. और मुझे पता नहीं था कि ही सच ए गुड एक्टर. क्या बात है. आप जरूर देखना अर्चना जी, आपको मजा आएगा. इट्स अबाउट फादर एंड डॉटर, और छोटी बच्ची जो अपने बाप के अरमान पूरे करती है. अच्छा. बाप कैसे अपनी बच्ची को पालता है, 50 काम करता है उसके लिए ताकि वो अच्छे स्कूल पढ़ सके. फिर उसको रियलाइज होता है कि मेरे पापा जो हैं वो अच्छे डांसर हैं, तो वो कैसे रियलिटी शो में लेके जाती. बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. वेल डन. ये कॉन्सेप्ट इनका एक है. एक एक्टर बहुत सालों से टेरेंस के अंदर छुपा बैठा हुआ है, और वो बहुत पहले से मुझे बता रहे थे कि गीता कभी मौका मिलेगा तो आई वांट टू डू अ फिल्म. अब सब कुछ ट्राई किया है बिकॉज़ ही इज वेरी एडवेंचरस. वो सेंसिटिव और इमोशनल जो नेचर है तुम्हारे अंदर, वो दिखता है जब तुम जज भी करते हो, तो यू सी दैट कमिंग आउट ना, दैट सॉफ्टनेस एंड सेंसिटिविटी. थैंक यू मैम. बट ही ट्राइज टू प्रिटेंड के ऑल मेन ट्राई टू प्रिटेंड हमको फीलिंग नहीं होती. आई डोंट बिलीव. मेरे को कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, सब कुछ अफेक्ट कर जाता है. और मास्टर जी उल्टा, मुझे इनके अंदर ऐसा लगता है कि मतलब ही नेवर स्पीक्स टू मच. मैंने कभी इनको नहीं देखा है ज्यादा मस्ती मजाक करते हुए, हालांकि करते होंगे अपने रिहर्सल हॉल में. बैकस्टेज आपको कह रहे थे आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो. तो आप कह रहे थे, वो नहीं कह रहे थे. नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे थे, वो नहीं कह रहे थे. लेकिन उनके काम में यू नो यू सी दिस मोर साइलेंट ही इज एज अ पर्सन इन हिज नेचर. उनके गाने उतने ही वाइब्रेंट हैं और पागलपन है गाने में. बट मैंने गणेश सर को देखा है सेट पर, बहुत चुलबुला, बहुत चंचलपन है. हाँ, एंजॉय करता हूँ. लॉट ऑफ लाइफ और एनर्जी. और जब डांस का मूव भी सिखाते हो, मुझे तो समझ नहीं आता क्या करना है मुझे. लेकिन जो आप करके दिखाते हो, मैंने कहा अगर मैं 5% भी कर पाऊं तो कमाल है. पर जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता. चलते शो में किसी को बाहर करना. आपकी पुरानी फिल्मों के गाने देखे. एक तो गाना मैं अभी भी उस पर डांस करता हूँ, जलवा. देखो देखो, ये जलवा जो टाइटल सॉन्ग था उसमें कोरियोग्राफर ना वो चेन्नई से थे, तो वो पहुंच नहीं पाए गोवा, और उन्होंने बोला शूट तो आज ही करना है. तो बिना डांस मास्टर के उन्होंने बोला, म्यूजिक लगा दिया, और वो भी टेप रिकॉर्डर, नागरा वागरा कुछ नहीं है, टेप रिकॉर्डर लगाया और मुझे समुद्र के बीच में भेज दिया. और मैं अपने ही मूव्स कुछ कर रही हूँ. कैन यू इमेजिन. किसी ने कॉपी नहीं किया मैम, कोई कॉपी कर भी नहीं सकता. कुछ तो आपने खुद के लिए करा. बाद में इनसे भी नहीं कॉपी हुआ. मैंने कमल मास्टर जी के साथ अग्निपथ की थी. अग्निपथ. हाँ. इतने बड़े बड़े डांस मास्टर्स के साथ आपने फिल्में की. कुछ नहीं सीखा. नहीं, अग्निपथ में मैं 400-500 डांसर्स में था. आप डांसर्स में थे? यस. ओह, ग्रुप डांसर में था. तो पीछे से भी देखा होगा कितना खराब डांस करती है.
क्या जर्नी है मास्टर जी, एक अग्निपथ में आप पीछे डांसर्स में थे, एक अग्निपथ में आपने खुद ने कोरियोग्राफ किया. And you know, Master Ji की एक बात बहुत खूबसूरत है, जब वो डांस करते हैं ना तो बहुत enjoy करके करते हैं. हाँ. There is a एक अलग ही मस्ती है. बाकी सब डांस करते हैं, आप तो खेलते हैं. हाँ, that's one beautiful. ये वो मेरे चीची भैया के साथ, गोविंदा जी के साथ मैंने बहुत enjoy combination किया. उनसे बहुत कुछ सीखी मैंने basically बातें. हाँ. अच्छा एक चीज मैंने आपकी भी खासियत देखी है, आप नहीं देखते एज का डिफरेंस क्या है या कितना है, जो भी हाथ पकड़ के उनको भी छोड़ने गए हो आप. कपिल इसे फ्लर्ट नहीं कहते, इसे जेंटलमैन कहते हैं. शिवलरी. शिवलरी, यस. वापस आओ फिर मुझे छोड़ के आना आपको. मेरे को आप हमें तो हाथ पकड़ाती नहीं कभी, सीधा ही से हम जाएं तो सैनिटाइजर मारने लगती है हमारे मुंह पे. सच में वो क्या वॉशिंग मशीन में से निकल गए हैं अभी. मुझे भी इन्होंने ऐसे हाथ दीजिए ना, हाथ. हाँ प्लीज. ऐसे दूर रखा, मतलब वैसे आने नहीं दिया. और कैसे नहीं आने दिया? वैसे नहीं आने दिया. ये तो खींच लेगा गीता, हाथ छोड़ दे इसका. और ये लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो, एक बार मैंने पकड़ लिया मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना. सारा शो ऐसे ही करते हैं. टेरेंस हम लोग चले, हम तो वही कह रहे हैं. बट आई हैव टू से, जब ये शो वापस शुरू हुआ था आफ्टर द पैंडेमिक व्हेन एवरीबॉडी गॉट इन, एंड ये शो एक्चुअली ऑडियंस की सख्त जरूरत होती है, और मुझे लगा था आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर गोइंग टू पुल इट ऑफ, नो ऑडियंस, नो नथिंग. करेक्ट. बट आई हैव टू से अर्चना मैम, आपकी हंसी मेक्स अप फॉर एवरीथिंग दैट्स मिसिंग ऑन दिस सेट. थैंक यू माय डार्लिंग, थैंक यू. आयशा गावत, लव यू. ये चक्कू दादा को नाचते आता है मास्टर जी. आपका बच्चा हूं मैं. मास्टर जी आपका बच्चा हूं मैं. गीता आपका बच्चा हूं मैं. खबरदार नहीं आपका बच्चा हूं. नकली जगू दादा, आप तो हमेशा ये बोलते ना कि मेरा बच्चा है, तू तो उल्टा क्यों बोल रहे हैं आप. डांस के बाप लोग बैठे ले इधर. उनके सामने बच्चा ही होगा ना बेड़ो. खैर मैं लेकर आया आज गिफ्ट सबके लिए बेड़ो. लेडीज फर्स्ट. दादा ये क्या है? ये आपके लिए माँ की दाल. ये आपके लिए बच्चे की दाल. बच्चे की दाल क्या होती है? अरे जिस शेफ ने बनाया वो मेरा बच्चा है ना बेड़ो, तो बच्चे की दाल है. बच्चे की दाल. मास्टर जी के लिए? मास्टर जी के लिए कुछ नहीं लाए. अभी देगा पिटारा खुलेगा धीरे धीरे. अच्छा तू तो चाहता आते ही बांट डालो सब इधर. सर आपके घर मैं भी गॉगल्स पहन लेता हूँ. हाँ टेरेंस मेरे को आपको एक बात पूछने का था बेड़ो. लव यू. फिर चिल्लाते डायरेक्टर शॉट नहीं बना तुम्हारा, ये वो ऐसा वैसा. मेरे को बड़े एक बात पूछने का था. बचपन में आपका मम्मी डैडी पेरेंट्स मीटिंग पे जाते थे या टेरेंस मीटिंग पे जाते थे? देखो बेड़ो ज्यादा हंसी नहीं आई तो या तो नाम बदल लो या हंस लो. अच्छा मैं अपना नाम बदलू क्योंकि आपका जोक अच्छा नहीं है. पता है क्या, हमारे शो पे जो सबसे ज्यादा हंसता है उसी का ज्यादा शॉट लगता है. फिर बाद में बोलेंगे गेस्ट बुलाया मैं नजर नहीं आया, ऐसा होता है बाद में. खैर मैं अभी बड़ो क्रिकेट देखने के लिए गया था टेरेंस. हाँ. उधर मैं आपके भाई को मिला. कौन से भाई? डकवर्थ लुइस. जो ज्यादा हंसेगा उसका सबसे ज्यादा शॉट लगेगा. अपना काम है बोलना, बाकी रेस्ट अप टू यू बड़ू लोग. लव यू लव यू. कप्पू बोल रहा था ना मास्टर जी, ये लो मास्टर जी. खाली डिब्बा क्यों दे रहे हो आप? इसमें अपना आचार्य भर के दो. माँ की दाल नहीं मिली, मैं बहन की दाल खाऊंगा. बहन की दाल. लेकिन आचार्य मेरे को सिर्फ आपका पसंद है बेड़ो. मास्टर जी के लिए जोरदार ताली, मजेदार. बेड़ो अब मैं तो सबको गिफ्ट दे ला बेड़ो. हाँ अभी मेरे को टेरेंस से गिफ्ट चाहिए. अच्छा, वो क्या गिफ्ट करेंगे आपको? नूरा फतेही का नंबर. बड़ो मैं उसके घर पे जाके झाड़ लगाऊंगा. मेरे को <laughs>
मेरे को उधर झाड़ लगाने का बड़ो मैं टीवी पे बहुत देखा वो बोलती रहती है हाय गर्मी तो क्या झाड़ लगाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मस्त आता है ठंडा ठंडा हवा जाएगा घर पे बड़ो सरकार ने झारखंड बनाया मैं झाड़खंड बनाएगा लव यू लव यू जगू दादा एक बात बताओ ये 90s में भी आप ऐसे ही पौधे लगाते थे इधर 90 हाँ या कपिल बड़ो 90 का याद दिला दे बड़ो 90 का एक बात बड़ो मेरे को 90 का शॉट मिल रहे ना 90 का एक बात याद आ गया मेरे को क्या दादा हाँ। रात को 90 पहन के सोने का मस्त कंफर्टेबल रहते हैं कपिल जी दादा मेरे को 80 का एक किस्सा याद आ गया क्या हम लोग क्या पुराने लोग हैं ना 45 इयर्स इंडस्ट्री बड़ो एक एक किस्सा याद आता है बड़ो 80 का एक किस्सा है मैं उधर वो शूटिंग कर रहा था बड़ो कौन सा पिक्चर है वो तेरी मेहरबानी हाँ। वो हम लोग उधर वो शूटिंग कर रहा था चाइना क्रिक में अच्छा हाँ तो गाने का शूटिंग था वो उस टाइम पे मास्टर होता था ना बेड़ो तरुण मास्टर हाँ। हाँ। मैं ऐसा गाना कर रहा था कपिल मैं ऐसा मैं इधर हीरो अच्छा और मेरे हीरोइन वो पूनम ढिल्लन अच्छा सुनना बहुत मजेदार ऐसा मैं खड़ा हूँ और ऐसा बारिश वीरिश का गाना है बेड़ो तो मास्टर ने सीटी बजाया उधर अच्छा के गाना चालू वो बीच में चाय वाला आ गया अच्छा तो मैं उसको देख के बोला 80 ऐसा 80 का किस्सा है क्या किस्सा है ना मजा आ गया मजा आ गया मेरे पास तब भी मैं बोलूं कि वो कुत्ता हीरो क्यों हो गया उस फिल्म का मेरे पास एक 70 का भी किस्सा है बस कर दादा बस काय को करे मेरे पास बड़ा गाड़ी है बस काय को करूंगा मैं दादा भी कैसी बातें कर रहे हो गीता जी देख रही क्या सोचेंगी वो अरे क्या सोचेंगी अगर सोच रहे रहती ना मेरे बारे में तो मैं आया तो मेरे से पूछती वो दादा लॉकडाउन में क्या थे किधर थे लॉकडाउन में आपने क्या किया अच्छा खाने में मेरे को पपीता हाँ। और कोरियोग्राफर में गीता ही पसंद है यही बात मैं अभी करिश्मा की मम्मी आएगी ना बबीता उनको बोलूंगा देखना वो ज्यादा हंसेगी तो आप गीता माँ को यही बताने आए नहीं नहीं मैं बड़े लोग ये लोग मस्त डांसर है सब कोरियोग्राफर बड़ा बड़ा मैं क्या बोल रहा था बड़ो ये लोग सब मस्त बीट पे नाचते हाँ तो मैं बीट लेकर आया हूँ मैं सोच रहा हूँ उस पे अगर नाच देंगे कमाल हो जाएंगे हाँ दिखाओ दो बीट है मेरे पास प्लीज बोलना नहीं बीट रूट लाया आदमी ये देखो ये क्या है ये कौवे का बीट है कबूतर का बीट है ओ क्या हो गया? बीट पे बूटी बीट पे बूटी कमाल हो गया बड़ो अच्छा था ये जगू दादा ऐसे कौन करता है डांस ये जो आप कर रहे हैं अरे अपना खुला है अपने सब दोस्त लो मास्टर जी के साथ बहुत काम के लिए एक बार मास्टर जी के लिए जोरदार ताली मास्टर जी एक टाइम था कपिल मैं क्या बताऊं मास्टर जी का क्या मुंह लगाना तो छोड़ो किसी को हक भी नहीं करते थे मास्टर जी क्यों नहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं था हक में फिट नहीं आते थे ना पहले लेकिन अभी मास्टर जी मस्त दुबले हो गए ले है ना पता है टेरेंस यू नो मास्टर जी ने मेरे को छोटे से बड़ा होते देख लिया क्या बात लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ मैंने मास्टर जी को बड़े से छोटा होते देख लिया अचीवमेंट मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कभी भी आपको खाना रहेगा बिरयानी बिरयानी छोले भटूरे सेव पूरी तो ये घर पे बनवा के रखो मैं आऊंगा खाने एक पाय नहीं कर सकता बड़ो और क्या है लाइफ के अंदर खैर जाने से पहले मास्टर जी का एक पिक्चर आ रहा है डांस वाला देहाती डिस्को उसका मैं गाना देखे लाए फाड़ दी लाए मस्त सुपरहिट पिक्चर है मास्टर जी का मस्त हो गया मास्टर जी प्रमोशन चलता हूँ बड़ो मेरे को जाने का टाइगर वेट गीता मैम कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं मास्टर जी टेरेंस सर आपको पता ही है जो स्टार्स होते हैं उनके बारे में अफवाहें उड़ती हैं मास्टर जी आपके बारे में ये अफवाह है कि पहली अग्निपथ में आप बैकग्राउंड डांसर थे विच इज अ फैक्ट
दूसरी में आप कोरियोग्राफर बन गए थे, अफवाह ये कि अब तीसरी अग्निपथ में आप एज ए हीरो आने वाले हो और गाना भी सिलेक्ट हो गया है, चिकना चमेला खा के केला अद्धा चढ़ा के आया। तो ये कहां तक सच है मास्टर जी? क्या मुझे ये पता है कि अभी जो जग्गूदा बोल के देहाती डिस्को जो मेरी अभी फिल्म आने वाली जी, जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, जिसके प्रोड्यूसर कमल मिश्रा है और डायरेक्टर मनोज शर्मा है, तो लखनऊ के आप एक्चुअली लीड एक्टर हैं देहाती डिस्को कर रहा हूँ। बहुत मेहनत की डांस की फिल्म है, बहुत सालों के बाद कोई इंडियन डांस की फिल्म आ रही, तो बस वही है, बाकी तो ये मुझे समझ में नहीं आया। गीता, आपके बारे में फाय ये है कि आपको म्यूजिक से इतना ज्यादा प्यार इसलिए भी है क्योंकि जब आप पैदा हुई थी तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। अरे सच है। क्या क्या हो रहा था उस समय? 1973 की बात है। वाओ। जुलाई का महीना था। मेरी माँ डिस्क्राइब करती है इसे कि बहुत तूफानी बारिश हो रही थी और खिड़कियाँ खड़खड़ा रही थी और मैं हॉस्पिटल में अकेली थी और वो गेटवे के पास था तो हवा बड़ी जोर से तेजी से चल रही थी। तो क्या बात है, क्या एंट्री ली आपने है? तब से जो फिल्मी हुई हूँ मैं। सारी अफवाहें हमारी गलत नहीं होती, कुछ सच भी होती है, देख लो आप। बहुत सच है। तेरे सर, आपके बारे में ये अफवाह कि लॉकडाउन में आपने खाना बनाया, सफाइयां की, कपड़े धोए, बर्तन भी मांजे, सारे काम आपने सीख लिए, इसलिए आपको लगने लग गया है कि अब आप शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अब उनको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, अब तो मैं ये भी करता हूं, आत्मनिर्भर हो गया हूं। गणेश सर, एक अफवाह ये है कि पहले आप चिकनी चमेली गाना नहीं करना चाहते थे, पर जब आपको पता चला कि जो चिकनी चमेली है वो कैटरीना है तो आपने हाँ कर दी। नहीं, वो बात नहीं थी, बात ये थी कि कुछ 22 साल तक धर्मा प्रोडक्शन में मैंने काम नहीं किया। अच्छा जी। फिर पता चला कि जो डायरेक्टर है उसने मुझे फोन किया और वो राजकुमार संतोषी का 8वां असिस्टेंट था, करण मल्होत्रा। करण, करण, यार। उसने मुझे कहा कि मास्टर जी मैं आपके वैनिटी मैन के बाहर खड़ा था, आपको बुला, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो आप कीजिए। तो मैं करण को मिलने गया था। वाओ। तो करण को मिला, तब करण ने बोला, फिर तभी मैंने वो गाना किया। सो स्वीट ऑफ यू। क्या बात। और क्या गाना किया मास्टर जी? वाह यार। गीता, आपके बारे में ये फाय कि आप बात बात पे बोलती हैं, आप बात बात पे बोलती हैं कि खाओ मेरी कसम, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कसम खा के सामने वाला झूठ नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, गीता ये की कसम। ये तो बिल्कुल सच नहीं है। आप कितनी बार कसम खा चुके हैं? आपने कौन सा सच बोला है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अफवाह है ये, साबित कर दो। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये झूठ पढ़ रहा हूँ। मैं झूठ तो नहीं बोला ना, हमारे कई मनगढ़ंत भी होती हैं अफवाहें, लेकिन कुछ सच्ची भी होती हैं। टेरेंस, एक अफवाह ये कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आपने एक नया चैलेंज लिया है कि आप अगले डांस वीडियो में कपिल शर्मा को एज लीड डांसर प्रेजेंट करेंगे। व्हाट ए अफवाह टेरेंस, व्हाट ए अपॉर्चुनिटी वाली अफवाह। ये अफवाह, ये आप पर निर्भर होता है कि कब ये सत्य में बदल जाए। मैं सर पैदल आ जाऊंगा, आप मुझे भूटान बुला लो। कसम से अगर आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं कुछ सीख के आऊंगा, भले एक स्टेप सीख के आऊं, लेकिन ये जो आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं तो कुछ मैं आपको इंग्लिश के वर्ड देता हूं। अरे रे रे, इसकी हिंदी बनानी है। गुड गुड, ये बड़ी जो हाई लेवल की हिंदी बोलते हैं, तो उस हिसाब से बैकग्राउंड। हाय रब्बा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कुछ, ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड है। पृष्ठभूमि है। वाओ, क्या भूमि? पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। मुझे पीछे तो मैं बोला पीछे का मैदान। बैकग्राउंड बोले पीछे का मैदान, पृष्ठभूमि। ओके, आइटनरी। आइटनरी मतलब ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा, यात्रा, यात्रा प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग जनरली? प्रोग्राम भी, हाँ मतलब वेरी नाइस। क्या बात है सर, इट वाज राइट। या वेरी राइट। इनटॉलरेंट, हाँ इनटॉलरेंट, ये नहीं पता सर, मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, मेरे तो सामने लिखा हुआ है, मेरे से फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा। असहिष्णु, 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 असहिष्णु। ओ बाप रे, वाओ, इतना ये एक्चुअली इनटॉलरेबल फॉर मी टू हियर दिस वर्ड। हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट, हार्ट इज हृदय, ब्रेकिंग तोड़ना, हृदय को तोड़ना, ऐसा कुछ होगा। हृदय विदारक, हाँ मतलब हृदय विदारक, हाफ हाफ हाफ, वाओ क्या बात है। एडिटिंग,
एडिटिंग संपादन वाओ नहीं संपादन हाँ ओके लास्ट एथिकल जो सच हो जो वेट नैतिक वाह क्या बात है Not bad, I'm very impressed. Sir, आपने हिंदी में मास्टर्स किया है? नहीं नहीं अभी पैसे मिलते ना बोलने के लिए डांस के पैसे नहीं मिलते दस साल पहले जब मैं टेरेंस से मिली थी तो एक शब्द हिंदी का नहीं आता था जैसे बाल आड़े टेढ़े थे वैसे हिंदी इनकी आड़ी टेढ़ी थी एंड नाउ बहुत मेहनत कर रही है बट हाउ लवली आर यू वर्क सो हार्ड इतने कठिन शब्द बोलना हिंदी के ऐसे होता है तो कई किसी किसी को सौभाग्य होता है कि कुछ भी ना बोलना पड़े पैसे मिले ऐसा मेरे हिस्से का तू बोल लेता है मैं चुप्पी रहूं बेहतर क्षमा चाहता हूं जो मैंने आपका हृदय विदारक शब्दों का इस्तेमाल किया इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं हे देवी तुम्हें मुआफी दी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा मास्टर जी ने अक्षय पाजी के साथ फिल्म टॉयलेट में जो गाना किया लठ मार उसके बाद इन्होंने गाना किया हाउसफुल में बाला उबाला हाल ही में इन्होंने बम बोले लक्ष्मी बॉम्बे किया अच्छा अक्षय पारी जब भी आते हैं ना हम सबको जल्दी उठना पड़ता है अर्चना तो चलो रात को इधर ही रहती हैं चलो टॉयलेट के लिए तो आदमी फिर भी 6 बजे उठ जाता है अरे यार बाकी फिल्मों के लिए भी आप जल्दी उठ जाते हैं मास्टर जी आपको हुआ नहीं कि अक्षय पारी के साथ काम करने जल्दी उठना पड़ेगा नहीं मुझे उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अच्छा हम लोगों ने लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में फिल्म खत्म की बेल बॉटम और यहाँ से मुझे कल जाना उसके बाद हम लोग बच्चन पांडे कर रहे हैं फिर तो वो उसके अंदर एक ऐसा जुनून है अक्षय के अंदर वो सुबह 6:30 साढ़े 6 बजे उठ के फ़ोन कर लेगा गणेश आजा बैठते हैं काम के लिए डिस्कस करते हैं गाने के लिए डिस्कस करते हैं बहुत सारे जैसे बम बम बोले गाना जितनी मुझे बोल रहे लोग उससे ज़्यादा अक्षय ने उसमें मेहनत की वाह जान लगा दी मतलब मैंने अक्षय को कभी ऐसा देखा नहीं था मतलब त्रिशूल लेके उठा है फिर ट्रम्पोलिंग मार के उसके ऊपर जंप करना और गुलाल कलर वो गाना उसके अंदर बैठा हुआ था और वो गाना हम लोग ने शूट करने से 6 महीने पहले रिहर्सल की थी छह महीने पहले उसमें असिस्टेंट लोग के साथ उसने मेहनत की थी तो वो गाना इसलिए इतना निकल के आया फील जो है गाने का इट्स अमेजिंग मास्टर जी कितने डांसर्स थे उसमें 300 डांसर्स और 150 किनर्स थे कम से कम 500 डांसर्स थे वहां पे और लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले हम लोग ने खत्म किया गाना और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो मास्टर जी 500 डांसर आपके साथ नाच रहे होते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कौन खराब कर रहा है कौन खाली पेमेंट ही डाल रहा है अपनी और कई गड़बड़ भी तो करते होंगे मेरे पास 300 डांसर में से तो 150 डांसर ओल्ड एज के होते हैं वो मैं उनको सबसे ज्यादा अपने पास रखता हूँ जो सीनियर डांसर्स है जो जिनको बेसिकली बड़े बड़े गाने उसमें से आधे डांसर्स तो ऐसे जो ओल्ड है जो है बैठे हुए चल रहे उन लोग तो मुझे पता है कि मैं कैसे उनसे एनर्जी निकाल सकता हूँ किस शॉट में उन लोग चाहिए किस शॉट में नहीं चाहिए तो ये एक ट्यूनिंग है मेरे डांसर लोग के साथ क्योंकि मैं भी खुद डांसर था मेरे पिताजी डांसर्स थे हम लोग उधर से गुजरे right. तो फीलिंग्स wow. है उनके साथ वाओ ब्यूटीफुल थैंक यू मास्टर जी उन सब की तरफ से एक मास्टर जी थी और एक आप मास्टर जी है यू नो यू आर लाइक एन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली बाकी सब हम लोग अभी सब जो कर रहे हैं बट आई रियली फील कि एक मास्टर जी थी सरोज जी और एक आप है एक अलग ही मिजाज है और जो गाना बैठता है और जो आप करवाते हो वो बहुत अलग बहुत डिस्टिंक्ट लगता है दिसंबर का महीना इतनी ठंड चल रही है ठंडे ठंडे हाथ में टांगों में लगा रहा था गलती हो गई था पांच जोड़ा था आपके आप मास्टर जी हो मैं क्या मेरी बात सुनो
अभी तो मैंने टांगों पे वैक्सिंग नहीं की, तू इतना मेरे साथ फ्रैंक हो गया, बिल्कुल नहीं छोड़ना मैंने तेरे को, किसी कीमत पर नहीं तेरे को छोड़ना मैंने। माफ कर दे सर। 200 रुपए निकालो फिर। और तेरे पास पैसे नहीं होते, पुलिस वालों को छोड़ दो, चल चल। वाह 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 वाह। आप कौन है भाई साहब? मैं जी हवलदार नंदू। अच्छा। चंदू का भाई नंदू। वाह वाह, आपने तो आंखों पे भी मूछें रखी हुई हैं। मैंने नोटिस नहीं किया। और चक्कर ये है जी, इसका भी कारण है, मैं इस मूछ को बार बार ऐसे करता हूँ, ये माइंड कर जाती है, कहते फिर मैंने इधर भी रख लिया। खैर, आप चंदू जो अपना ये ढाबे वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप उसके भाई नंदू? मैं उसका भाई नंदू। पता ही नहीं चल रहा यार, इतना डिफरेंट करते हैं ना आप दोनों। इतने बड़े शो में अगर आप नया नया करेक्टर कर रहे हो ना, तो पहले आपका कॉन्फिडेंस जीरो होता है, ये बातें कर करके और ज्यादा कॉन्फिडेंस माइनस में ले जाता है। टफ टफ करेक्टर लिख के दे देते, भी हमसे भी पूछ लो, हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा मेरे को कमिश्नर बना के भेजो कम से कम। कहते ये कमिश्नर की स्पेलिंग पूछेगा, तुम्हें आते हैं? मैंने कहा आते तो मेरे को फिर कांस्टेबल की स्पेलिंग भी नहीं है। कहते उधर जाके हवलदार बोल देना। तो हवलदार नंदू इज रिपोर्टिंग सर। आपका सलूट मेरे सामने क्यों निकल रहा है? मैं आपका ऑफिसर थोड़ी हूँ। एक सेकंड। हाँ जी। आपके यहाँ तो लिखा हुआ पीपी, पंजाब पुलिस। हाँ जी। तो मुंबई में कैसे आप? और जब जी पंजाब में ठंड पड़ती है ना जी, वो निक्कर वाले मुलाजमों को गर्म इलाकों में भेज देते हैं। अच्छा। और ठंड पड़ी जाले मैं पंजाब की, मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, इतनी ठंड होती है, हम तो दो दो घंटे एक नंबर नहीं जाते, क्योंकि जिप बड़ी ठंडी होती है, खुलती नहीं है। ठंड को इंजॉय करो, बाथरूम तो रोज ही आता रहता है, उसका क्या है? बहुत सारी बातें मैं बाद में करूंगा। आपका आईब्रो उतर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ लगी है तो आईब्रो तो यहाँ पे होगा। नहीं नहीं, कानून के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, बदतमीज नहीं होना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये तीनों लोग नो पार्किंग एरिया में कैसे बैठे हुए हैं? कौन सी नो पार्किंग? यहाँ पे कौन सा नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है? तो बोर्ड तो फिर कपिल शर्मा शो का भी लगा, चल रहा है ना वो, कभी 2 साल किसी चैनल पे चलता, कभी 2 साल किसी चैनल पे चलता, चलता ना वो। दो जवाब। ये आपके लिए मैं कुछ FIRs लाया हूँ। FIR? ये आपकी FIR है। थैंक यू। शुक्रिया। ये आपकी FIR है। सबके खिलाफ FIR? और ये आपकी 3-4 है। 3-4? 3-4? अच्छा, थैंक यू। ये क्या मतलब? बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी सारी FIR कौन देता है? ओ, FIR एक ही है, लेकिन लेडीज को ऑप्शन दिखानी पड़ती है ना, फिर जाकर उनको पसंद आती है। तो रंग पसंद करना है FIR का? आप रंग पसंद कर ले, जो लिखना है वो बाद में हम डिसाइड कर लें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। यार, मैं मेहमानों से बात कर लूं थोड़ी सी? हाँ जी, करिए। हेलो गीता। गीता, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मेरे मुंह से मां निकल नहीं रहा था, मैंने बड़ा जोर लगाया। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको गीतू कह लूं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी दोनों आंखों वाली मूछें उखाड़ दूं। नहीं, आप मतलब शर्याम हमारे मेहमान से फ्लर्ट कर रहे हैं गीता जी को गीतू बोल के। अच्छा, जितेंद्र जी को जीतू कह दो तो फिर वो फ्लर्ट हो गया? कैसी बातें कर रहे हो कपिल शर्मा? पॉइंट तो है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओ हो, टेरेंस भाई साहब इधर आए हैं। अच्छा टेरेंस भाई साहब, आप पे तो इल्जाम है बहुत तगड़ा। क्या जनाब? क्या? आपने अपने शो में नोरा के साथ जो फ्लर्ट करके मेरी रोमांटिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ना। देखिए नंदू जी, आप ये फालतू की बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है। ओ हेलो, कानून में बाधा नहीं डालना, नहीं तो मैं बाधे में कानून डाल दूंगा। विसल आपकी कहीं घुस ना जाए उस तरफ। वो पकड़ के रखिए, ऊपर से ठंडी बहुत है विसल। Look at his legs. They are terrible. I've been looking at their legs. Tonight I'm gonna have nightmares. आपने कभी पाया सूप पिया? पाया सूप? हाँ, ये ही है। ठंड बढ़ी है, ठंड की वजह से मेरे goosebump हुए पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो नंदू जी, आपको शायद पता नहीं है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, डांस के कितने बड़े गुरु हैं तीनों। चलो गुरु जी हैं तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। तो जो आप हर साल इतने डांसरों का उत्पादन करते हैं, ये इनकी खपत कहाँ पे होती है? देखो
देखिए ये नंदू जी मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चों को ढूंढ के ना उनका टैलेंट निकालते हैं। क्या बात है, ये तो फिर असली गुरु है ना। एक मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे ढूंढा, बाद में मेरा पर्स निकाल लिया। ओ खैर, मेरा बचपन से एक सपना रहा है जी, मैं बढ़ाओ के ना वो ओरियोग्राफर बनू जी। ओरियोग्राफर नहीं होता, कोरियोग्राफर। चलो जो भी होता है, सपना तो मेरा था ना। ये तुम बिना कानून के साथ बहुत बदतमीजी करते हो। तो बस भगवान की दया से फिर मैं पुलिस में हो गया भर्ती। कोरियोग्राफी का और पुलिस का क्या लेना देना? देखो जितना ये डंडा नचा सकते ना, उतना ये गुरु लोग नहीं नचा सकते। अच्छा हाँ, कभी नहीं यकीन है तो मेरे को बिना हेलमेट के रोड पे मिलना। 15-20 मिनट का मैंने तुमसे ना रियलिटी शूटर करवाया। ओए, मुझे एक बात बताओ यार। हाँ? इतने बड़े स्टेज पे जब हम नया नया करेक्टर करते हैं तो अंडर द टेबल कुछ शगन वगैरह की रस्म नहीं रखी तुमने? आप रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो शर्या मांग रहा हूँ। यार आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी आज तक तरक्की नहीं हुई। 15 साल से आप कांस्टेबल घूम रहे हैं। देखो तरक्की की क्या बात है, तरक्की तो मैं कभी भी ले लूं। अच्छा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। क्या? तरक्की में आपको कांस्टेबल मिल जाते हैं, दो आगे दो पीछे, आपकी प्राइवेट लाइफ खराब हो जाती है। खैर, ताली दो हाथों से नहीं बजती। वो ताली दो ही हाथों से बजती है, क्या हो? एक हाथ से नहीं बजती तो पता है, तो फिर बजाते क्यों? बंदा नया नया करेक्टर कर रहा हूँ, सब जय करो। और आप इधर सोने की बुआ बनकर बैठी हैं, आप ही 100-150 सगन दे दो मेरे को। 100-150 रहने दो, आपने तो मेरा भी निकाल लेना। जा रहा है अभी चंदन। नंदू जा रहा है। इतने प्यारे चेहरे के साथ, इतनी मासूमियत का, एकदम से जब आप फैली ना, यही उसका जो मजा आने वाला है। ये जो मेरा चार्म है। अच्छा, ये गीता मैम इतनी टैलेंटेड है, इनको डांस करने के लिए खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, सब सब आज ही कर लो। कर लो। मैं दो लाइनें गाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। आप गाएं प्लीज, मैं मेरे कान तरस गए हैं इस आवाज को सुनने के। हेलो। उफ। तो मैं कुछ भी गाऊंगा। क्या गाऊंगा आपको नहीं पता है? अब तो क्या करना, क्या कुछ नहीं, आपको एक्सप्रेशन देने की देवी है जो अभी, क्योंकि मेरे को बैक स्टेज टेरेंस सर बता रहे थे कि कुछ वो फोटो वाला क्या करती इंस्टाग्राम पे। अभी तो किया, ये सिर्फ आपके लिए तो किया मैंने। ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जब आता था मैं इसको देखता था। शट अप। बाले ऐसे ऐसे बाले और क्या होता है यार? ये कब किया मैंने? गीता डोंट लाई। ये तो अब भी किया मैंने। डोंट लाई। नहीं ये एक्सप्रेशन क्वीन है। अच्छा गणेश सर, जो सिंगर्स होते हैं या जो लिरिक्स राइटर होते हैं, मान लो कभी बीवी के साथ मन मुटाव हो जाए, तो मैंने बड़े सारे सिंगर्स को सुना है, उनकी बीवियों को कहते सुना कि ये गाते हैं तो मैं मान जाती हूँ। लिरिक्स राइटर बोलते हैं मैं कविता सुना देता हूँ। जब आप मैम के साथ कभी ना कभी जो छोटा मोटा झगड़ा जो हो जाता है मास्टरनी जी, तो मास्टरनी जी सो स्वीट इट साउंड्स, तो फिर आप कैसे मनाते हैं फिर उनको? है? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, गिद्दा पाने चालू कर देता हूँ। मास्टर जी इतने स्वीट है, मुझे लगता नहीं कभी इन्होंने कोई ऐसी कोई बात कही होगी कि भाभी नाराज हो। मेरे से ज्यादा स्वीट है वो दीदी। वाओ, ऐसे भगवान मिलाता है ऐसी जोड़ियां, पता है? करेक्ट, मैं तो बहुत लकी हूँ। इतना भोला मेरा घर वाला हो मैं तो बेच दूं। आई मीन बेच। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मास्टर जी मैरिड हैं जी, टेरेंस और गीता मैम जो हैं वो मैरिड नहीं है। मैं आपको एक ना एक नहीं अच्छी बात है, सुखी हैं हम। देखो हाँ। ऐसा है, मान लो आपको गीता मैम के लिए कोई लड़का ढूंढना है। हाँ। तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। परफेक्ट। आपको बताना है कि वो लड़का कौन सा चुनेंगे। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगा, ठीक है? लड़का इंडियन होगा, एनआरआई होगा या फॉरनर? इंडियन, देसी। देसी मुंडा। रीजन? उसके एक्स भी देसी रहे हैं। जो इनको पता है। जो मुझे पता है। तो या और दिल से वो बहुत देसी है, तो वो एडजस्ट नहीं हो जाएगा, कल्चरली प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके वाओ, कितना ख्याल रखते हैं आपका, देखो। अच्छा लड़का फिल्म इंडस्ट्री से हो, बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट जॉब वाला? डेफिनेटली नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, ये लिख के रख लो। क्यों 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 क्यों? पूरी फिल्म इंडस्ट्री अंदर है, दूसरा एक बार नहीं चाहिए। मैं 2 तलवार नहीं दे सकता ना वैसा। ओके, तो लड़का शर्मीला होगा, रोमांटिक होगा या बेशर्म?
बेशरम बेशरम रोमांटिक शर्मिला डेफिनेटली नॉट बेशरम क्यों कुछ काम भी वैसा करेगा ना फिर खुश रखेगा चरण सब कुछ नहीं बताना है ओके सीरियस या फनी 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 बिकॉज शी लव्स टू लाफ ही सो केयरिंग यार हाँ अकेला रहने वाला या जॉइंट फैमिली वाला अकेला डेफिनेटली अकेला क्यों वी नो स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है तो स्पेस बहुत चाहिए बिल्कुल तो परिवार के साथ फिर सेटिंग सब करना पड़ता है परिवार बना लेंगे अपना उसके क्या एग्जैक्टली स्पेस मिलेगी तो परिवार बनेगा स्पेस ही ना मिली तो परिवार कहाँ बनेगा आपको पता होगा मैं से बोल रही हूँ हाँ मतलब हाँ. नहीं पता तो है मेरे को ओके लड़का फ्लर्ट हो या जोरू का गुलाम एक मिनट सोच के बताता हूँ बड़ा डिफिकल्ट चॉइस आई थिंक जोरू का गुलाम और थोड़ा बहुत फ्लर्ट दोनों मिक्स होना चाहिए ये तो कपिल को डिस्क्राइब कर रहे हो एग्जैक्टली मिक्स होना चाहिए जो सब हाँ में हाँ मिलाता हो शी लूज इंटरेस्ट आई एग्री ओके शॉपिंग करवाने वाला या पैसे जोड़ने वाला पैसे जोड़ने वाला फॉर श्योर क्योंकि शॉपिंग ये खुद ही कर लेती है ये खुद कर लेती है शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है हैं वाओ चलिए बहुत अच्छे आपने जवाब दिए और बड़ा बड़ा केयरिंग फ्रेंड के नाते इन्होंने जो जो बेस्ट सोच सकते थे आपके लिए राइट अब आपको टेरेंस के लिए लड़की पसंद करनी है लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट होनी चाहिए दोनों होना चाहिए लेकिन इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है रीजन क्योंकि टेरेंस को बातें करना पसंद है और इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स डिस्कस करना अच्छा लगता है तो अगर सामने वाला डम होगा और नहीं समझ पाएगा तो वो अकेले ही ठीक है फिर मैं बोर हो जाऊंगा अच्छा लड़की सीरियस रहने वाली हो या हंसी मजाक करने वाली हंसी मजाक तू जवाब दे दे क्योंकि मैं नहीं कर सकता ना व्यंग और ये जो आप करते हो है ही नहीं व्यंग सर आपकी कभी कभी तो व्यंग मत कर तू अंग कर ले व्यंग मत कर अंग लगा सॉरी कभी कभी ना ये हिंदी के ऐसे शब्द इस्तेमाल करते ना लगता ही नहीं टेरेस बॉम्बे से लगता बनारस से आए हैं व्यंग करने वाली लड़की है सिर्फ ये ज़बान बाकी तो पूरा अंकल टोनी अंकल टोनी ओके सास ससुर की सेवा करने वाली या पति से अपनी सेवा करवाने वाली दोनों में से कोई नहीं शी शुड बी अ होमली गर्ल आई डोंट थिंक ना वो बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट समन एज अ कंपेनियन अ गुड कंपेनियन अब ज्यादा भी नहीं चाहिए कि मतलब पति की सेवा टाइप भी नहीं चाहिए होगी उसे और वो अपने सास ससुर इनके सास मतलब इनके दे आर वेरी इंडिपेंडेंट फैमिली तो ऐसे मतलब घुसपैठ वाली लड़की नहीं चाहिए करेक्ट करेक्ट नॉर्मल वेरी नॉर्मल हॉलीडेज में रोमांटिक डेस्टिनेशंस पे जाने वाले या रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाले चलो मेरे चाचा के बेटे की शादी है एडवेंचरस लोकेशंस पे जाने वाले मतलब स्कूबा डाइविंग चली जाए स्नॉर्कलिंग चली जाए एयर डाइव करने वो पैरासेलिंग चली जाए ट्रैकिंग चली जाए ट्रैकिंग चली जाए मतलब ऐसे अच्छा शॉपिंग की शौकीन या पैसे जोड़ने वाली पैसे सेव करने वाली लड़की हूँ शॉपिंग अपने टाइम से करे और खुद का पैसा खुद लुटाओ यार मेरा पैसा क्यों लुटा वेरी गुड इंडिपेंडेंट आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो बहुत बार ये सवाल मेरी माँ भी कर चुकी मेरी माँ ने ये भी बोला है कि आप टेरेंस के साथ एक मॉक शादी कर लो क्योंकि उसको नहीं करनी है तुझे नहीं करनी लेकिन मेरी इच्छा है कि तेरी शादी हो मैं देखूं एक बारी और तुम लोग बड़े अच्छे लगते हो हाँ। तो बोलो एक बारी आप लोग ना सब कपड़े वपड़े ऐसे पहन के मॉक शादी कर लो भले उसके बाद ना निभे उनको लगता है वो पुराने दिनों में अरेंज वाली शादी हो जाती थी पर प्यार हो जाता था उनको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं You see that? Uh-huh. The Terence Lewis in the house. There's Geeta Ma in the house. Uh-huh. Ganesh Acharya in the house. House in the house. मैं आप लोगों के फिल्म का ट्रेलर देख के मेरे को बहुत मजा आए उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही तो मेरे को मजा भी किधर आए लेकिन मैं सच बोल रहे हैं
आप लोग इधर आए हैं, मुझे पता है आप लोग का शो जो है वो एक अल्प विराम लिए है. अल्पविराम, वाओ, थैंक यू. इसलिए आप इधर चाय नाश्ते के लिए आए हैं ब्रो. चाय वाय पिलाओ, खाने के लिए वो खिलाओ ब्रो. अपना वो सर्दी का मौसम है, वो बेसन की क्या होती है, सैफ अली खान कौन से खानदान से है? पटौदी. हाँ, बेसन की पटौदी खिलाओ इनको. पटौदी नहीं, पकौड़ी होता है, बेसन की पकौड़ी. इस पकौड़े, पकौड़े, इस पकौड़े, पकौड़े, पकौड़े. ओह गॉड, ओह गॉड, माय बैड, माय बैड. पकौड़े और पटौदे, आई एम गुड मैन, आई लाइक देम बोथ, इट्स कूल. चलते रहते हैं यार. लेकिन सच बताए, आप लोगों को यहाँ पे देख के मैं फूले नहीं. वो क्या बोलते हैं ब्रो, के वो किसी से गलती हो जाता है तो सामने वाले से क्या मांगते हैं? क्षमा. क्षमा, क्षमा. फूले नहीं क्षमा रहे हैं. वो तो दिख रहे. लेकिन आप लोग ना मेरे को जज कभी लगते नहीं है, आप लोग ना मुझे नेवी वाले लगते हैं. नेवी वाले क्यों? हाँ, कि 6 महीना काम करते, 6 महीना छुट्टी, 6 महीना काम करते, 6 महीना छुट्टी, 6 महीना छुट्टी. ये अच्छा है, अच्छा है, नेवी वाले के. ये आई गॉट इट, आई गॉट इट. तुम क्या करने आए इधर? अच्छा, चैरिटी करने आए ब्रो. Charity. I'm very rich in London. Oh really? मैं बहुत अमीर है. आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं लंदन का बहुत ही वो आदमी है. क्या वो सारे गामा पा के बाद क्या आते हैं? धानी. धानी, मैं उधर का बहुत ही धानी आदमी है. मेरे पास उधर बहुत पैसे है, तो मैं सोचे मैं इधर आके जो जरूरतमंद लोग है उनके बीच में, ठंडी का मौसम है तो मैं भेड़ बांटे गए. भेड़ थोड़ी ना बांटते हैं, कंबल बांटते हैं. नो ब्रो यार, कंबल बांटेगी तो लोग कंबल ओढ़ के सो जाएंगे. दे विल बिकम लेजी. इसके लिए मैं भेड़ बांटे गए. वो अपने हाथ से ऊन निकालेंगे. ऊन का एक्सरसाइज हो गए. नहीं मतलब ऊन का एक्सरसाइज नहीं हो गए, ऊन लोगों का एक्सरसाइज हो गए. फिर आप उनसे जो बनाना है बनाओ ब्रो, कंबल बनाओ, सॉक्स बनाओ, जैकेट बनाओ, जो बनाना है बनाओ. सो इंटेलिजेंट. फिर उसको पहनो, उसमें आपके शरीर में गर्मी आएगा और गर्मी इंसान को आगे लेके जाएगा. आई लाइक गर्मी. जैसे आई नो दैट, नोरा फतेह को ही ले लो यार, हाय गर्मी करके ऐसा ऐसा करके कितना आगे चला गया. मैं देखे उसका आपको और डिटेल चाहिए कितना आगे गए, आप इनसे ले सकते हैं, इनको पूरा पता है. क्या क्या सोचेंगे? अच्छा वो कैसे पूछते हैं कोई? यही सोचेंगे कि आदमी सिर्फ मोटा नहीं है, फनी भी है. लुइस जी, मैं खाली हाथ नहीं आए है. क्या? मैं खाली हाथ नहीं आए है, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाए है. क्या? I'll give it, I'm giving great man. A matching bag. Impatient guy, man. Matching bag, nice. I'm giving it to you. ये लो. ये क्या है? ये क्या है? ये गमले का क्या करेंगे? ये अपना टेरेंस पे लगाओ. टेरेंस जी, गीता जी, आप लोगों को देख के सच में मेरा तो एकदम हैरान निकल गए. लेकिन मैं आपको सच बताया, आपका बड़ा बड़ा गाड़ी बाहर देख के अर्चना जी का परेशान निकल गए. प्रोड्यूसर का जाके अभी थोड़ा देर पहले गला पकड़ लिए. उनको बोलते हैं कि ये लोग 3 महीना काम करते, इतना बड़ा गाड़ी में आते, मैं 2 साल से काम करे, मैं ऑटो में क्यों आते हैं? फिर प्रोड्यूसर इनको समझाए कि ये लोग ऑडिशन लेते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, बजर बजाते हैं, आप क्या करते हैं? फाइनली जाके सॉरी बोले. अर्चना जी नहीं बोले, प्रोड्यूसर सॉरी बोले. ये क्यों बोलेंगे यार? आप यही सोचो, इधर बैठ के हंसने का इतना पैसा लेते हैं, बोलने का कितना पैसा लेंगे? पॉइंट है गणेश जी, मैं आई एम अ ह्यूज फैन. आप नृत्य में निपुण है. नृत्य में निपुण है. निपुण है. आप इतना मैं पसंद करते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहते हैं. शिष्य बनना चाहते हैं? शिष्य. स्टूडेंट. शिष्य. स्टूडेंट. स्टूडेंट. बनना चाहते हैं. मेरे को थोड़ा बहुत डांस आते हैं, लाइक वो गुजराती डांस है ना, गबरा, वो मैं कर लेते हैं. गबरा नहीं, गरबा. नहीं, वो उनके लिए होता है, लेकिन मैं घबरा जाते हैं. इतना सारा लोग को डंडे में ऐसा ऐसा कर सकते हैं, मैं घबरा जाते हैं यार. घबरा जाते हैं. अच्छा, बहुत घबरा जाते हैं. लेकिन सर, आप इतना वजन कम किए हैं, मुझे भी जरा वो दो ना टिप्स. टिप्स नहीं, आचार. आचार्य है, मुझे आचार्य देंगे. ये लो, ये लो, बाद में भर के देंगे आपको, पकड़ो. एक मिनट. हाँ, ये वाला जोक पहले कोई दूसरा कलाकार आके. ब्रो, मैं तुमको कितना बार बोले मेरे को पहले आने दो. सब कलाकार आ जाते, सब जोक्स क्रैक कर देते, मैं इधर क्यों आया? दूध का बिल देने के लिए आया क्या सोनी साहब को? सच में आचार्य जी कभी कभी बहुत लाचार्य महसूस करते हैं. well done, well done. मैं क्या करेंगे यार, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं. वो ठीक है, लेकिन मेरे को डांस सीखने के है, थोड़ा वजन ज्यादा है, लेकिन मैं सीखने चाहते है. तो जिम ज्वाइन कर लो ना फिर.
Bro, जिम का बात किए, मैं कल जिम गए थे. अच्छा. आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कल पहला दिन मेरा जिम का, मैं 20 केजीज कम किए. अरे एक दिन में? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ट्रेनर जो है मेरा डंबल पे 25 केजीज डाले, मैं 20 कम किए. फिर मैं 5 केजी से अपना वर्कआउट किए, वो करके भी मैं इतना थक गए, मैं घर जाके ऐसा नींद आए मुझे, मेरे को मैं सो गए ना, फिर मेरे को सपना आए और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा सपना सच हुए. कैसे? अच्छा? हाँ, नहीं नहीं ब्रो, मैं जब सो रहे थे मेरे को सपना आए कि मैं जाग गए है, तो ये देखने के लिए कि मैं जागे कि नहीं जागे, मैं जागे, और जब मैं जागे मैं देखे मैं जाग गए. ब्रो, फोन बज रहे जानते हैं आपको, फोन कर रहे हैं, बहुत अमीर है. क्या हो गए? क्या तुम्हारा बीवी का दिल में मेल है? इसमें क्या गलत बात है यार, वो फीमेल है, फीमेल के दिल में मेल, मेल के दिल में फीमेल होता ही है. ओह गॉड. नहीं अच्छा, गंदगी वाला मेल है ब्रो, ऐसा मत सोचो यार. देखो जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का विचार मेल खाए, नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं उधर आके तुमको मेल के समझाएगी. ओके रिलैक्स. एनीवेज गिव माय लव टू योर चिल्ड्रन, फर्स्ट गिव डॉटर देन गिव सन. गॉट इट? मेल गिव सन. चलो मैं फोन काट रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां हमारे डांस गुरुज के लिए. गीता मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मास्टर जी थैंक यू सो मच for coming and that all the best for dehati dance ke liye, dehati disco, dehati disco ke liye. Aur we want more, we loved your video and we loved your acting aur itna beautiful concept and thank you so much once again. Aap teenon ka, aap bahut hi pyare ho aur hamesha hi maza aata hai jab bhi aap milte ho. Thank you, aapne bulaya. Thank you so much for coming once again. Aur har waqt jab hum aate hain to we are so happy, you know. Yahan pe kuch karna nahi padta, aap jokes marte hain aur hamesha hansna padta hai. It is just the most relaxing atmosphere. Thank you sir, thank you. Aur aise hi banate rahiye because aapne pure desh ko hasa diya, especially is mahol mein jab hum guzar rahe hain is mahamari mein, to ye bahut zaruri tha. और आपकी वजह से पूरा देश हंस रहा है, पूरा देश का मन हल्का हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू गीता मैम. और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी जरूर रखें, हमें कॉपी ना करें, हम लोग कोविड पूरे टेस्ट करवा के मिलते हैं, मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें. गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.